बॉलीवुड की गंगूबाई यानी आलिया भट्ट एक खूबसूरत अदाकारा हैं। पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्मों में की गई बेहतरीन एक्टिंग की वजह से आज वे बॉलीवुड की लीडिंग हीरोइंस में से एक हैं। आलिया ने साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखा था। उसके बाद कई बड़ी बड़ी फिल्में की हैं आलिया ने। गंगूबाई और RRR की सफलता के बाद आलिया का बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की नज़रों में कद और भी बढ़ गया है। आलिया ने पिछले महीने ही अपनी जिंदगी के नए पड़ाव में कदम रखा। कई सालों से एक्टर रणबीर कपूर को डेट करने वाली आलिया ने आखिरकार रणबीर से 14 अप्रैल को शादी कर ली। रणबीर और आलिया की शादी बॉलीवुड की ग्रैंड शादियों में से एक थी। शादी के बाद अब दोनों ही स्टार्स अपने अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। एक तरफ जहां रणबीर कपूर साउथ की ब्यूटी रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म एनिमल की शूटिंग में लगे हुए हैं, तो वहीं आलिया दिल्ली में रणवीर सिंह के साथ अपनी आने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग में बिजी हैं। शादी के बाद अब लगता है आलिया की किस्मत ही बदल गई। शादी करना आलिया के लिए काफी लकी साबित हो रहा है। दरअसल सुनने में आ रहा है कि आलिया भट्ट को हॉलीवुड में ऑफर आया है। आलिया के हॉलीवुड डेब्यू की शेड्यूलिंग हो चुकी है और खबरों की माने तो आलिया भट्ट मई के दूसरे हफ्ते में यूके के लिए रवाना हो जाएंगी। आलिया की इस फिल्म का नाम हार्ट ऑफ स्टोन है, जिसमें आलिया के साथ साथ गल गडौत और जेमी डोनन भी नजर आने वाले हैं। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के बाद अब लगता है आलिया भट्ट ने भी उन्हीं की राह पकड़ ली है और वह भी हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की तैयारियों में लगी हुई हैं। आलिया के करीबी सूत्रों ने बताया कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के शेड्यूल को खत्म करने के ठीक बाद आलिया अभी तक बिना शीर्षक वाली जासूसी थ्रिलर के मैराथन शेड्यूल के लिए यूके रवाना होंगी। वह मई से अगस्त के अंत तक टॉम हार्पर निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग करेंगी। खबरों की माने तो आलिया भट्ट अपने हॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड है। इसके अलावा आलिया भट्ट अपनी आने वाली फिल्म बेजू बावरा और जीले जरा की भी तैयारियां कर